वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त कीवर्ड मतलब जो सिलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह कौन से कीवर्ड को आपने चूज़ करना है और कौन से कीवर्ड को आपने चूज़ नहीं करना। वैसे तो कीवर्ड जो रिसर्च होती है वो मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू होती है, उसमें एचरेफ भी आता है, सेमरश भी, और शॉर्टकट में सेमरश भी, गूगल का अपना प्लानर भी है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो मतलब सॉरी बहुत सारे ऐसे मतलब जो टूल हैं जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो बात दोस्तों कीवर्ड एवरीवेयर में है वो दूसरे किसी भी कीवर्ड में, कीवर्ड का जो टूल होता है जिसमें रिसर्च वाला टूल, उसमें नहीं है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम एचरेफ की पांच मतलब जो हम डीए लगा देते हैं, मतलब हम क्या करते हैं फिल्टर लगाते हैं जिसमें हम कीवर्ड कम से कम मतलब केडी सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी सोच ये होती है, हमारी थिंकिंग, हमारा कीवर्ड रैंक कर जाएगा। दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ के डी फाइव कर देना या के डी को कम कर देना या लो सर्च वॉल्यूम को कीवर्ड को सिलेक्ट करना और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना और आप आपकी सोच ये है, आपकी थिंकिंग ये है कि आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा, तो दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ करना पड़ेगा। इस कीवर्ड एवरीवेयर की वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बगैर अपने कीवर्ड को रैंक नहीं करवा सकते, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर ही आपको बताता है, बिल्कुल 100% बताता है, एचरेफ से भी बहुत ज़्यादा। अब तो ये पेड है जो एक साल के लिए इसकी 10 US डॉलर की मतलब इसकी कीमत, यानी एक साल में ये आप 10 US डॉलर पे करेंगे तभी आपको ये मतलब मिलेगा। पहले ये फ्री था लेकिन अब ये फ्री नहीं है। लेकिन 10 US डॉलर दोस्तों कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पूरे एक साल के लिए। तो इसलिए चलो दोस्तों मैं चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल पर लाता रहूँ। दोस्तों, कीवर्ड एवरीवेयर का जो कीवर्ड रिसर्च करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने वो कीवर्ड इसमें कॉपी पेस्ट करना है और चेक करना है कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। वो आप कैसे करेंगे, वो दोस्तों वो आप मुख्तलिफ सोर्सेज से जो आप कीवर्ड लाते हैं, जैसे आप कुछ कीवर्ड आप एचरेफ पे चेक करते हैं, कुछ कीवर्ड जो है आप किसी और पे मतलब चेक करते हैं। आप जैसे मैं आपको इधर अपने एचरेफ ओपन करके दिखाता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कि आप किस तरह आप मतलब कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब एचआरएफ में दोस्तों आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम लो केडी हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको जो वीडियो है, आपको जो इंटेंट है, आपको समझ आ जाए कि कीवर्ड सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये लोड होता है कीवर्ड एचआरएफ का जो टूल है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी सर्च कर रहा हूँ कीवर्ड का सेक्शन लाने के लिए। आमतौर पे दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आमतौर पे दोस्तों ये करते हैं कि हम क्या करते हैं सर्च बॉक्स में यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अमेजोन की वेबसाइट है या किसी और चीज़ की एडसेंस की वेबसाइट है, तो हम बेस्ट करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब मैंने लगा दिया इसको, उसके बाद मैंने इसको सर्च करने के ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो एचरेफ आपको बताएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एचरेफ आपको बता रहा है कि इसमें 38K पोटेंशियल है ट्रैफिक की, 150K इसके अंदर सर्च वाले में ग्लोबल। हम आमतौर पे क्या करते हैं दोस्तों, हम आमतौर पे यही करते हैं कि हम क्या करते हैं रिलेटेड टर्म्स में चले जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं के डी को कम से कम चाहते हैं कि हमारा मैक्स के डी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 कर देते हैं हम लोग। और सर्च वॉल्यूम हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सर्च वॉल्यूम जो हो मैक्सिमम 200 हो बस। तो 200 में क्योंकि हमको बहुत ही मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें मिलेंगे, तो हमारी सोच ये होती है कि जब 200 सर्च वॉल्यूम होगा और के डी 5 होगी और हमारा जो होगा आर्टिकल रैंक हो जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल के ऊपर यानी इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे बिग वेबसाइट ने क्या किया हुआ है आर्टिकल नहीं लिखा होगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 1200। अब 1200 है इसका, 150 इसका वॉल्यूम है यूएसए, और ग्लोबल वॉल्यूम जो है इसका 200 है, ट्रैफिक पोटेंशियल 350 है। हम समझते हैं कि बस ये कीवर्ड आ गया। अब इस कीवर्ड को मैं क्या करूँगा, समझूंगा कि इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा और मेरा आर्टिकल रैंक कर जाएगा। दोस्तों ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब इस आर्टिकल को आप इस कीवर्ड को आपको कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को देखने के लिए आपको कीवर्ड का टूल दिया गया। कीवर्ड के टूल में आपने जब इंटर होना है ना, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पिन, आपका यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
एक बार तो आपको इस तरह बल्क कीवर्ड डेटा नजर आएगा। आपने क्या करना है, बल्क कीवर्ड डेटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस तरह एक स्क्रीन नजर आएगा। आपने इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, आपने वही कीवर्ड जो आपने एचआरएफ से सर्च किया है लोकेडी के थ्रू सेलेक्ट जो किया है, जैसे भी यहाँ पे मैंने गेमिंग लैपटॉप्स 100 to 1200, आपने इसी तरह का जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया होगा, जो जिसको आपने वॉल्यूम कम किया होगा, आपने क्या करना है कीवर्ड एवरियर के अंदर प्लेस कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, गेट मैट्रिक्स। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, असल कहानी असल स्टोरी तो यहाँ शुरू हो जाती है। अब आप देखें दोस्तों कि आपको यहाँ पे बता रहा है गेमिंग लैपटॉप्स 100 to 1200, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 210 है, और सीपीसी आप देख पा रहे हैं इसकी कितनी हाई है। और इसके बाद आप इसका ट्रेंड देखें दोस्तों, दोस्तों असल चीज़ ट्रेंड होती है, यानी असल में जो कीवर्ड आप सेलेक्ट करते हैं क्या वो गूगल के अंदर वो ट्रेंडिंग है कि नहीं है। अब कोई भी कीवर्ड दोस्तों जिसका ट्रेंडिंग माइनस में जा रहा हो, अब उस कीवर्ड को आप कभी भी सिलेक्ट ना करें और उसके ऊपर आर्टिकल लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना माइनस में जा रहा होगा ट्रेंड उतना ही आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उस लोगों को वो लोग जो हैं अभी उस कीवर्ड को सर्च नहीं कर रहे गूगल के ऊपर। अब अगर उसी कीवर्ड को आप क्या करेंगे अपने आर्टिकल में प्लेस कर देंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा, तो इसलिए वो नहीं करता क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, आप ये एक मैं कीवर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखता हूँ कि इसकी ट्रेंडिंग किस तरह है, ये ट्रेंड में है कि नहीं है, यानी इसके ऊपर ट्रेंडिंग में अभी है कि कीवर्ड गूगल पे सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसको मैं चेक करने के लिए वापस कॉपी पेस्ट करूँगा, इस बॉक्स में लाऊंगा कीवर्ड एवरीवेयर के और गेट मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ट्रेंड आपको नजर आ रहा है 63%, यानी इसका मतलब है कि ये प्लस में 63% है, यानी यही कीवर्ड जो है बहुत बार सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर, काफी बार। आल तो इसका सर्च वाले 50 है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कीवर्ड है गूगल के ऊपर बार बार सर्च किया जा रहा है, बेस्ट बाय डेल गेमिंग लैपटॉप्स। तो इसलिए अगर आप इस तरह के कीवर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे और अपने अपने आर्टिकल में यूज करेंगे, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपका आर्टिकल रैंक करने में, क्योंकि ट्रेंडिंग में ट्रैफिक आने के काफी चांसेस रह जाते हैं। सिर्फ यही वजह नहीं होती है, एक और वजह भी होती है। आपने सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को एचआरएफ के अंदर चेक करना है, सर्प्स में आपने जाना है, जैसे वहाँ पे सर्प ऑप्शन होता है, आपने सर्प चेक करनी है कि इसके ऊपर कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक, यानी अगर आपने ये कीवर्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके बुनियादी तौर पर बेसिकली दो क्राइटेरिया आपने मैच करने हैं। आपने सबसे पहले पहले इस कीवर्ड को कॉपी करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल इन वन टाइटल में लिखना है, ऑल इन वन एलिमेंट टाइटल आप लिखेंगे और इस कीवर्ड को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये जो मैंने कीवर्ड एलिमेंट टाइटल में लिखा है इसके ऊपर कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही है जिस कीवर्ड पे मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, जो आपने कीवर्ड अभी निकाला है एचआरएफ से, तो इस कीवर्ड को आप रैंक करवाना चाहते हैं तो आप इसमें बेसिकली दो चीज़ें आपने देखनी है, एक तो आपने ट्रेंड देखना है नंबर वन, और दूसरा आपने क्या देखना है इसका कि कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर 3 या 4 वेबसाइट अगर आपको वीक मिलती हैं, तो एक एक आपकी जो करेक्टर है या एक आपके जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। अगर 3 वेबसाइट आपको लो अथॉरिटी मतलब 10 से 15 DA वाली आपको मिलती हैं, जो भी कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिस पर आप लिखना चाह रहे हैं, तो एक पॉइंट आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपने क्लियर कहाँ करना है, आपने उसी कीवर्ड को कीवर्ड एवरीवेयर में चेक करना है। अगर ट्रेंड प्लस में आ रहा है और वो कीवर्ड आपका लो अथॉरिटी वेबसाइट उस पर ज्यादा रैंक्ड है जो ज्यादा कम DA वाली, तो फिर आपके लिए वो कीवर्ड बेहतर रहेगा, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं और फिर वो आर्टिकल रैंक भी करेगा, आपको ट्रैफिक भी आएगी। एक तो वो कीवर्ड लो कम्पिटिशन है, दूसरा वो कीवर्ड जो है उसके ऊपर ट्रेंड भी चल रहा है इस टाइम गूगल के ऊपर सर्च किया जा रहा है, और तीसरा उसके ऊपर लो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, ट्रेंड और ट्रेंड के अलावा कितनी लो अथॉरिटी वेबसाइट उस पर रैंक कर रही है और लो कंपटीशन, ये तीनों चीज़ें आपने कवर करनी है, फिर आपका वो कीवर्ड जो होगा गूगल पे 100% रैंक करेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा ये कीवर्ड एवरीवेयर का जो टॉपिक है आज जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड एवरीवेयर के द्वारा की मदद से हेल्प से
तो एचरेफ का हेल्प लेके कीवर्ड एवरीवेयर कैसे रिसर्च मेथड आपको बताया मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, तो काइंडली आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूँ। थैंक यू फॉर इट।